बाइट मी, माय फेस इज ऑलरेडी बहुत ज्यादा खराब। विलेज विच नेम इज होनोनेसी और अभी मैं यहाँ पे हूँ। तो यहाँ पे क्या, मैं नासिर सर के पास आई थी तो उन्होंने मुझे ये विलेज एक्सप्लोर करने के लिए बोला और बोला तुम्हें बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो आई एम हेयर और ये विलेज में कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, बहुत चीज़ें हैं, विकास सिस्टम भी है, बहुत चीज़ें हैं। तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे। भाई पे हैं भाई जो कि हैं यहाँ की ऐसी कम्युनिटी के साथ और ये हमें हेल्प करने वाले हैं। बट द थिंग इज वी आर हेयर फॉर सम विलेज इश्यूज और विलेज गुड थिंग्स और ऑल थिंग्स। वी कैन एक्सप्लोर ऑल थिंग्स अबाउट वन विलेज। दैट्स व्हाई आई जस्ट टोल्ड अबाउट दैट कम्युनिटी थिंग। ओके चले, ये भाई है, ये हमें हेल्प करेंगे। चले का घर था, पहला था जो सबसे कॉर्नर में सबसे लास्ट हाउस है ना आपका घर इस विलेज में। या ये सबसे आखिरी विलेज, आखिरी घर है विलेज का। और सबसे सो देयर आर थ्री कम्युनिटीज हियर। तो इस सबको मिलवा के क्या है कि यहाँ पे एक विलेज है, छोटा सा है, नॉट टू मच, योर बेबी इज हियर और सबका मिला के तो ये विलेज है। तो अभी हम एक्सप्लोर करेंगे ऑल कम्युनिटीज हेयर। सबका अपना अपना रहन सहन है, अपना अपना रूल्स रेगुलेशन है, सबका अपना अपना है। तो भाई हमें थोड़ा थोड़ा बताएंगे। ओके ओके, तो ये जो ये भाई के घर तक और यहाँ तक के सारी दिलित कम्युनिटीज है, अब देख सकते हो वहाँ बैठे हुए हमें देख रहे हैं, कोई नए पीपल नए लोग आए, पता नहीं किधर से आए, क्या करने आए, क्या कर लेंगे। बट द थिंग इज वी आर नॉट, हम यहाँ पे सिर्फ थोड़े टाइम के लिए हैं इस विलेज में, मे बी 10 मिनट्स 20 मिनट्स, और हम इस चीज़ के बारे में बात करके यहाँ से निकल जाएंगे। तो इधर है ये जनरल कम्युनिटीज़, ये सारे घर है जनरल कम्युनिटीज़ के, दे आर रिच वन पीपल। इस विलेज की हम बात करते हैं, इस विलेज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। लाइक यहाँ पे ये पानी के आप देख सकते हो, ये एक गवर्नमेंट प्रोसेस है ना, ज्वाला जीवन मिशन। ओके तो ये है ज्वाला जी, सेंट्रल गवर्नमेंट पर ये अभी वर्किंग में है, ये अभी ऑन नहीं हुआ है। देर इज अ नो टैप हियर, बट द थिंग इज देर इज अ वन टैंक इन टू दैट विलेज। सिर्फ एक टैंक है जो पूरे विलेज को पानी सप्लाई करता है, एक ही जो सीवरेज वगैरह भी एक ही है ना, लाइक सीवरेज द गटर वंस ना, ओनली वन। लॉट्स ऑफ थिंग्स, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं। और ये वाली कम्युनिटी है बॉबी कम्युनिटी, बॉबी कम्युनिटी, ओनली वन हाउस इज देयर। ओके ओनली वन हाउस, ओके। तो ये है बॉबी कम्युनिटी का सिर्फ एक घर। और इनकी क्या खासियत होती है, व्हाट दे वर्क, they are doing agriculture, they all are farmers in there, okay, no matter which community they are belong, but they all are farmers. ये फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सी कम्युनिटी से, इस विलेज में टोटल जितने भी लोग हैं, लोग मतलब फैमिलीज है जो फार्मिंग ही करती है, इस विलेज में कितने घर होंगे मैक्सिमम? मैक्सिमम अबाउट 150, सिर्फ 150 हाउसेस के साथ एक विलेज बना हुआ है। तो इधर एक विच कम्युनिटी दे है, दिस इज एसटी कम्युनिटी। ओके सो व्हाट द कम्युनिटी डूइंग, व्हाट्स अप स्पेसिफिक, दे आर डूइंग एग्रीकल्चर, बट दिस पर्सन, दिस हाउस पर्सन डूइंग ऑटो ड्राइविंग, ऑटो ड्राइविंग। ओके ओके अम्मा हाउ आर यू, नमस्कार नमस्कार, कैसे हो, हाय ठीक हो, तो अम्मा को थोड़ा हेयरिंग प्रॉब्लम है, बट अम्मा मिल के अच्छा लगा, वी फील गुड टू मीट हर, बाय। अम्मा इज सो एक्साइटेड, अम्मा को लग रहा है द न्यू पीपल आर कमिंग एंड ओ दे आर, अम्मा को पता नहीं लैंग्वेज बैरियर है, बट अम्मा लुकिंग सो एक्साइटेड।
तो चलो ठीक है अम्मा। चलो अम्मा अम्मा की ग्रैंड डॉटर एंड ग्रैंड सन। अम्मा इज सो एक्साइटेड। अम्मा को ज़्यादा अच्छे से दिखाई भी नहीं देता और सुनाई भी नहीं देता, लेकिन अम्मा का पैशन देख सकते हो। हमें थोड़ा धुंधला धुंधला देख के भी अम्मा ने हमें फॉलो करके हमारे साथ है। बहुत मैं कहीं कहीं भी जाती हूँ और आई एम सो लकी इन लव, मेरे को हर जगह से प्यार मिलता है। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। Now she is being an actress. The actress award goes to Shanjana. ये तो रो रहा नहीं है, तू क्यों चिल्ला रही है? How do you say? Umma is here. Umma. Umma Shri. 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 Oy Umma Shri. Oy Umma Shri. तो बहुत बच्चे को मिले आज। तो ये जो है ना ये गार्लिक, ये इनका अपना रेमेडीज होता है, ट्राइब्स का अपना चीज होता है। तो ये स्नीजिंग एंड कफिंग के लिए। बाय बाय। टाटा। खाना खा लिया? Your mother is here. Now इसको छोड़ने का समय आ गया, इसकी माँ मुझे मिल गई है। बाय। बहुत अच्छा लगा तुम्हें मिलके भी। ये देखो तुम्हारी अम्मा। अम्मा, we are doing something bad to him. She, उसको लगे कि हम उसको पीटने वाले हैं, कुछ करने वाले हैं, so she is scared. But नहीं, हम उसके पास उसका बेबी पहुंचा देंगे। पहुंच जाएगा। माँ और बच्चे का ताल्लुक ही ऐसा होता है कि खुद ही पहुंच जाएगा। यहाँ पे एक सेंटर में एक टेम्पल है जिस टेम्पल का नाम है अम्ब अम्मा। अम्ब अम्मा। अम्ब अम्मा। हाँ। ओके। यहाँ पे एक है टेम्पल, आप टेम्पल देख सकते हो। अंदर से छोटा सा है लेकिन लोग यहाँ पे बहुत सारे रिचुअल यही फॉलो करते हैं ना, इस टेम्पल के और दूसरे टेम्पल के। ओके ओके। वो था टेम्पल्स, हियर टू टेम्पल्स है, एक ये वाला और एक आगे टेम्पल है। यहाँ पे एक और टेम्पल है जो है गण अम्मा नाम से। यहाँ सिर्फ साल में एक बार पूजा होता है। मुझे विशेषता नहीं मालूम है क्योंकि यहाँ की लैंग्वेज में होते तो मतलब हिंदी, जो हिंदी में माता लोग होते हैं जैसे दुर्गा माता, काली माता, वो वाले माता होते हैं, लेकिन अब वो सर्च करना पड़ेगा मुझे भी कि ये कौन से माता वाले हैं। ठीक है, तो वेरी स्मॉल टेम्पल, यू कैन सी इट्स जस्ट ओनली स्टोन्स एंड one stone inside and they cover with cloth and put it outside. So ये है विलेज। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ का जो मेन टेम्पल है इस विलेज का वो देखने। Let's go. So ये है यहाँ गाँव का मेन टेम्पल, आप देख सकते हो। इट्स नॉट बिग वन बट
ऑल पीपल, मतलब जो लोग बोलते हैं कि थोड़े से जनरल कैटेगरी के होते हैं या जो आप बोल सकते हैं कि हाई वाले, ये उनका टेंपल है, दे नॉट अलाउड टू अदर पीपल, है ना? ओके, तो ये दुर्गा माता का टेंपल, तो हम अंदर जाएंगे। तो ये क्या है, इसका क्या है? यात्रा। ओके, तो ये झूला है जो यात्रा में यूज किया जाता है। और चलो इनसाइड देखते हैं। ओके, देन वी गो फॉर यात्रा। ओके ओके, लेट्स गो। साइड द टेम्पल क्या है, ये दुर्गा माँ, और इनको ही मरियम माँ बोलते हैं। दुर्गा माता वही माता ही, और ये कंचम्मा, कंचम्मा है ना। तो ये टेम्पल आप देख सकते हो, नॉट बिग, नॉट मच, बट इट्स अ हिस्टोरिकल टेम्पल, हिस्टोरिकल टेम्पल। तो ये था इनसाइड द टेम्पल। और यहाँ पे इस विलेज में सबसे ज्यादा है कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम की वजह से यहाँ पे बहुत चीजें हैं जो टेम्पल में नहीं आने देते हैं। और यहाँ पे जनरल लोगों के अलग चीज़ें बनी हुई हैं, ऐसी लोगों के लिए अलग चीज़ें बनी हुई हैं, बहुत चीज़ों में फ़र्क है यहाँ पे। और द थिंग इज़, इट्स नॉट अ गुड थिंग, बट इन लॉट्स ऑफ प्लेसेस व्हाट पीपल आर डूइंग इन विलेजेस आल्सो, विलेजेस में ऐसा हो रहा है, अब तक हो रहा है। आई एम लकी, आई एम फ्रॉम पंजाब, पंजाब में भी होगा, मुझे नहीं पता, मैं पंजाब सारा नहीं घूमी हूँ, बट जब मैं निकलती हूँ तो ऐसी चीज़ें देखती हूँ, थोड़ा सा मन को हर्ट तो होता है कि अभी भी ये चीज़ें चलती हैं। हाउ यू फील व्हेन द अपर कास्ट पीपल सेपरेट द एसी वंस फ्रॉम देयर थिंग्स, एंड लाइक हाउ यू फील, हाउ यू फील, बैड और व्हाट? आई एम फीलिंग बैड एक्चुअली, बट अपर कास्ट पीपल्स टेम्पल आर देयर, बट Dalit community peoples are not entering, the temple. Okay. So that's why they're doing one temple. Okay, okay. Like Durga Maa, Kanchamma. Okay, okay. ये बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बट क्या करें, इट्स इंडिया, ये इंडिया है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे बंदा मर भी सकता है, यहाँ पे बंदा जी भी सकता है। यहाँ पे मरने का मतलब ऐसे नहीं है कि हाँ उसको पतल कर दो, उसको मर्डर, उसको डेड हो गया। इट्स जस्ट लाइक द किल देयर इमोशंस, टू हिट ऑन देयर फीलिंग्स विद दैट थिंग्स, इट्स नॉट गुड, इट्स हर्टफुल थिंग्स। हाँ, ये अलग रहा। बच्चा लोग सो शाय, इनको क्रिएटिव होना पड़ेगा तो ये चीज़ों को आगे लेके जा सकते हैं, अदरवाइज ये खुद भी शाय रहेंगे और ऐसे चीज़ों में फंस के रहेंगे तो ये खुद भी आगे नहीं जा सकते। मेरे को यहाँ पे एक अंकल मिले थे, उन्होंने बोला कि आपके पास चांस है, आप पढ़ सकते हैं। आई सेड आपके पास भी चांस है, बट आपको क्या है कि वो चीज़ों को दूसरी साइड लेना है, और हम चीज़ उस तरफ ले लेते हैं कि चलो वी कैन फॉलो दैट। तो अगर यहाँ पे कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं तो वहाँ पे कुछ चीज़ें बुरी भी होती हैं। तो इस विलेज की सबसे बुरी बात यह है कि यहाँ पे सारा पानी स्टक होता है, और टैंक वाटर उधर स्टक होता है। मुझे तो क्या ही प्रॉब्लम होगी, मैं रहती हूँ पंजाब में, और जहाँ पे मेरे घर है, आई एम नॉट, मैं ज़्यादा बड़े घर में नहीं रहती हूँ, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है। इसकी वजह से तो बीमारी सब कुछ लगता है, इस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, गवर्नमेंट को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जो अभी विलेजेस पीछे हैं, ये चीज़ें पीपल नहीं करते हैं, वो खुद फार्मर्स हैं, कितना वो करते होंगे, लेकिन गवर्नमेंट को इस चीज़ पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना। एटलीस्ट सीवरेज थिंग तो है, पर वर्क नहीं करते, उसका क्या फ़ायदा है, फिर होने नहीं चाहिए इससे अच्छा। तो एक और खासी तो क्या है, ऐसी छोटी छोटी शॉप्स, अब विलेज में बड़े बड़े शोरूम्स तो होने से रहे, वो तो एक्सपेक्टेशंस खत्म ही कर दो पूरी की पूरी। यहाँ पे शॉप्स है जहाँ पे इनको उनकी फैसिलिटीज की सारे सामान मिल जाती है, तंबाकू सिगरेट से लेके पोछे झाड़ू तक मिल जाता है। तो ये है चिकनी मिट्टी और ईंट के साथ बना हुआ घर, ऐसा घर मेरे नानी का घर था, लेकिन अब वो भी अपग्रेड हो गया है। तो ये देख सकते हैं, बहुत पुराना घर है,
अंदर से टूट भी गया ना भाई, अंदर से इट्स अ ब्रोक डाउन। हाँ तो ये टूट गया है, तो यहाँ के ओनर्स किधर है? ओके न्यू हाउस, ओके यहाँ के जो ओनर है वो नए घर में शिफ्ट कर गए, लेकिन पुरानी चीज़ें देखे आई वॉन्ट टू गो माई नानी हाउस अगेन, जो पहले था वहाँ, लेकिन अब वो अपग्रेड हो गया है। ये जो पुराना घर था ना यहाँ पे मिट्टी वाला, उनके ओनर्स का होटल, ये शॉप भी उनकी है। एक ही बीरा पंजाब पड़ता है यहाँ बेंगलुरु। मैंने जैसे कि बताया कि इस विलेज का नाम है वनानसी, तो आज मैं थी इस विलेज में, तो आपने देखा इस विलेज की लाइफ को, और आपने देखा होगा यहाँ पे लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स भी हैं और बहुत अच्छी चीज़ें भी होती है, बिकॉज द पीपल आर नेचुरल, ये लोग नेचुरल रहते हैं, बट द थिंग इज द प्रॉब्लम ऑफ द इन्वायरमेंट ना, देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स टू नीड, जिनको ज़रूरत है सही करने की ना, वो चीज़ उनकी हेल्थ के लिए भी अच्छी है, उनको इकोनॉमिकली मतलब उनको आगे सपोर्ट भी कर सकती है, जैसे उनको वर्क मिलेगा, अगर ऐसी ऐसी चीज़ें आएंगी तो वो अपने आप को आगे भी लेके जा सकते हैं। इसके बाद नहीं, लोगों में कला बहुत होती है, बस चांस नहीं होता है या किसी चीज़ की कमी रह जाती है, मे बी दे पीपल नॉट वॉन्ट टू बी, है ना, जैसे हम जैसे कॉन्फिडेंट होते हैं, दे पीपल जस्ट डू फार्मिंग, दे नॉट डूइंग दैट थिंग्स, बट इट्स गुड इफ एनी वन सॉ दैट वीडियो एंड एनी वन ई कैन हेल्प दैम, देर इज अ वन स्कूल, द वन पर्सन विच आई मेट इन मॉर्निंग, ही हेल्प द पीपल, नॉट पीपल, वी कैन से दे हेल्प अ चिल्ड्रन, गर्ल्स एंड ऑल, इट्स अ गुड थिंग, एंड वी नीड टू टेक केयर ऑफ ऑल दैट पीपल ऑल्सो, ये हमारा फर्ज बनता है, अगर हमारे पास चांसेस है तो हमें सबका ख्याल रखना चाहिए। मैं आती हूँ कहीं भी जाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया जाए कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी प्रॉब्लम चल रही है। तो हमने देखा इस विलेज को और मैंने इनके साथ बहुत सारी बातें की, थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर था, बट भाई की सपोर्ट की वजह से सब कुछ सेट रहा, सब कुछ ईजी हुआ मेरे लिए। थैंक यू भाई सो मच आपका, और थैंक यू सबका आना लोग, थैंक यू सो मच। तो ठीक है, इसी के साथ करते हैं इस एपिसोड का एंड। मड़ी शेर मड़ी को।